Hello all, welcome to Tutti Guide. Question number 1. Find the area of a circle whose radius is first one 21 cm, second one 3.5 meter. ठीक है, यहाँ पर हमको रेडियस गिवन है जो कि हमको वो फॉर्मूला में यूज करना है. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, वो है पाई आर स्क्वायर. करेक्ट, तो उसी फॉर्मूला को हम यूज करते हैं. फर्स्ट नंबर हम सॉल्व करेंगे, सेकंड नंबर में आपके लिए छोड़ दूंगी. तो रेडियस यहां पर कितना, 21 सेंटीमीटर. फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल लिखना है पाई आर स्क्वायर, जो कि 22/7 पाई के जगह पुट करना है. और आर स्क्वायर कितना, 21 स्क्वायर 21 हम दो बार लिख देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा. इसको कट करते हैं, कितना आता है 66 × 21, इसको इरेज कर लेते हैं. और यहां पर क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को दो बार मल्टीप्लाई करना है. तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ सर्कल का आ गया आंसर. और आपको खुद से करना है सेकेंड वन, थ्री पॉइंट मतलब रेडियस हमारा 3.5 मीटर, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज फर्स्ट वन 28 सेंटीमीटर, सेकेंड वन 1.4 सेंटीमीटर. देखो, पहले हम क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमको रेडियस गिवन था, वो हम डायरेक्टली पुट कर चुके हैं. तो यहाँ पर डायमीटर गिवन है, तो पहले हमको डायमीटर से रेडियस को फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम एरिया का फॉर्मूला हम सभी को पता है तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे. ठीक है, तो पहले क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन फिर से आपके लिए. फर्स्ट वन डायमीटर 28 सेंटीमीटर. ठीक है, तो रेडियस कितना, इस डायमीटर से हम रेडी डी बाय टू. ठीक है, डी हमारा डायमीटर है, तो 28/2 जो कि 14, और यूनिट हमारा सेंटीमीटर होगा क्योंकि सेंटीमीटर पे गिवन है. रेडियस मिल गया, अभी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, जो कि पाई आर स्क्वायर. 22/7 × r² कितना, 14 × 14 2, तो 44 × 14 616, और वो यूनिट होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि सेंटीमीटर पे गिवन है, और हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं जो उसका यूनिट हमारा यूनिट स्क्वायर पे होगा. ठीक है, मतलब स्क्वायर यूनिट पे होगा. ये हो गया हमारा आंसर. और सेकेंड वन आपको खुद से फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जहां पर डायमीटर होगा डी इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. पहले आप डेसिमल से नॉर्मल पे कन्वर्ट करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 264 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. तो हमको यहाँ पर सर्कमफेरेंस गिवन है, हम सर्कमफेरेंस से रेडियस को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमको आर चाहिए. करेक्ट, तो किसी में अगर डायमीटर दिया होगा, डायमीटर से आपको आर को फाइंड आउट करना है. सर्कमफेरेंस यहाँ पर गिवन है, तो सर्कमफेरेंस से आपको आर को फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप एरिया निकाल सकते हो इजीली. करेक्ट, करेक्ट, 2πr = 264. तो हमको क्या लिखना है, 2πr = 264, और हमको r चाहिए 264/2π, जो कि 264/2 × 22/7. तो यहां पर क्या हो जाएगा, 264 × 7/44, इसको कट करेंगे 11 पे, 11 4 जा, इसको 11 पे कट करेंगे,
इलेवन इलेवन टू जा अगेन इलेवन फोर जा 24 और ये 6 आ जाएगा 42। रेडियस हमारा 42 और यूनिट सेंटीमीटर पे होगा क्योंकि गिवन हमारा सेंटीमीटर पे यूनिट है, तो रेडियस हमको मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल जो कि पाई आर स्क्वायर 22 बाय 7 इंटू आर स्क्वायर कितना 42 इंटू 42 सिक्स 66 इंटू 42 सॉरी 22 इंटू 6 132 इंटू 42 132 इंटू 42 5544 और वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर पे, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर पे है, जो कि हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं, मतलब एरिया निकाल रहे हैं उसका यूनिट यूनिट स्क्वायर से स्क्वायर यूनिट पे रहेगा, जो हमारा फाइनल आंसर है। करेक्ट, हम कैसे किसी से कैसे निकाल रहे हैं वही आपको दिमाग में सोचना है। ठीक है, आंसर हमको क्या चाहिए और गिवन हमको क्या है क्वेश्चन में। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सर्कमफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में स्किप कर रही हूँ, जो कि सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको खुद से सॉल्व करके कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया गिवन है, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो एरिया में से हम रेडियस निकाल सकते हैं, जो कि यूज होगा सर्कमफेरेंस निकालने में, क्योंकि आर रेडियस हमको चाहिए। तो पाई लिख देंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वो जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, और गिवन हमको कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाय पाई। इसको सॉल्व करेंगे, इनटू 7 डिवाइडेड बाय 22 जो कि 211 में कट होगा, और इसमें 56 शायद होगा, और 28 इंटू 7 22 बाई 7 में लिखना भूल गई थी, ये 28 इंटू 7 196, और उसका ये क्या है, आर स्क्वायर इजिकल टू 196 मैं यहां पर लिख देती हूँ 196। देन आर इजिकल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन हम सभी को पता है, 2 में लेंगे 2 तो कितना होगा, आर इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, आर इजिकल टू 2 इंटू 7 जो कि 14 सेंटीमीटर है कि नहीं। अभी हमको क्या करना है, सर्कमफेरेंस। टू पाई आर, 2 इंटू 22 बाई 7 वैल्यू मैंने पुट किया पाई के जगह, और आर पर 14, 2 तो 88 सेंटीमीटर हमारा कितना आ जाएगा, उसका यूनिट आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। करेक्ट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।